रामायण काल में एक बार वनवास के समय माता सीता जी को वन में बहुत प्यास लगी। ऐसे में भगवान श्री राम जी ने आसपास कोई जल का स्रोत खोजना प्रारंभ किया, लेकिन जल का कोई भी स्रोत ना मिला। तब भगवान श्री राम जी ने वन से प्रार्थना की कि इस वन में यदि कहीं जल हो तो हमारा मार्गदर्शन करें और हमें जल तक पहुँचाएं। इतने में वहाँ एक मोर आता है जो राम जी से कहता है कि प्रभु, मैं जलाशय का मार्ग जानता हूँ, आप मेरे साथ चलें। लेकिन प्रभु, मैं तो उड़ कर जाऊँगा और आप पैदल चलेंगे तो आप मार्ग भूल जाएंगे, अतः मैं रास्ते में अपने पंख बिखेरता जाऊँगा, आप उन्हीं पंख के पीछे पीछे आ जाइएगा। मोर अपने पंख बिखेरता हुआ जलाशय तक पहुँचा। पीछे से श्री राम जी, माता सीता और लक्ष्मण जी पहुँचे तो वहाँ देखा कि मोर बिना पंख के घायल अवस्था में पड़ा हुआ मृत्यु का इंतजार कर रहा था। ये सब देखकर भगवान श्री राम जी ने मोर से कहा कि आज तुमने हमारी प्यास बुझाने के लिए इतना बड़ा त्याग किया है, तुमने अपने प्राणों के बारे में ना सोचकर हमारे प्राणों के बारे में सोचा। मोर बोला, जो सारे संसार की प्यास बुझाते हैं, आज मुझे उनकी प्यास बुझाने का मौका मिला है, इसे मैं कैसे छोड़ सकता था। भगवान श्री राम ने उस मोर को मुक्ति प्रदान की और कहा कि इस त्याग का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। अगले जन्म में जब भगवान ने श्री कृष्ण का अवतार लिया तो अपने सिर के मुकुट पर मोर पंख को धारण किया। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। राधे राधे।